पूर्वी यूपी को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर से अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा मैं सुबह से कर रहा था इंतजार, कोई फीता काटने का दावा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया को लेकर फिर अखिलेश पर हमला बोला, कहा पहले की सरकार ने माफिया को दिया संरक्षण, योगी सफाई में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर भी अखिलेश को घेरा, कई बार कहा योगी के आने के बाद यूपी में फर्क साफ है। सीएम योगी का पिछली सरकारों पर हमला, 1978 से शुरू हुई परियोजना 40 साल तक अटकी रही, प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में अधूरी परियोजना पूरी हुई। सीएम योगी ने कहा सिंचाई योजना से पूर्वांचल से पलायन रुकेगा, 15 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, 30 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के फीता काटने वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, ये फीता लखनऊ का है और कैंची दिल्ली की है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कैंची जीवी बताया, कहा 22 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से साफ होने वाली है। अखिलेश यादव का दावा, सरयू परियोजना का 75% काम मेरी सरकार में हो गया था पूरा, बीजेपी सरकार ने बाकी काम पूरा करने में 5 साल लगाए। अखिलेश यादव का योगी सरकार से सवाल, बताएं कितने नौजवानों को नौकरी दी, शिलान्यास किए, कितने कामों को पूरा किया। अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार ने नौजवानों को लैपटॉप दिए, योगी सरकार ने नौजवानों पर लाठी बरसाई। अखिलेश का यूपी की जनता से वादा, समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में नया युग लाएगी। सरयू नहर परियोजना पर अखिलेश के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा वो मानसिक बीमार तो नहीं हो गए हैं, ये परियोजना 1972 में शुरू हुई। दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी जारी, घर जाने से पहले भांगड़ा करते नजर आए कुछ किसान, गाजीपुर बॉर्डर से घर लौटने से पहले अरदास करते नजर आए प्रदर्शनकारी किसान, शंभू बॉर्डर पर किसानों पर फूलों की वर्षा की गई, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एनआरआई ने की थी। हरियाणा के हिसार में दिल्ली बॉर्डर से प्रदर्शन खत्म कर लौट रहे 2 किसानों की हादसे में जान गई, हाईवे पर ट्रक से ट्रैक्टर की टक्कर हुई। पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए 11 किसानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी शुरू करेगी जनविश्वास यात्रा, प्रदेश के 6 क्षेत्रों में रैली निकाली जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, वहीं 19 दिसंबर को ही राजनाथ सिंह बिठूर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली, गृहमंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। मेरठ के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा, कोरोना के वक्त सभी पार्टियां आइसोलेट थी। जेपी नड्डा ने कहा कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की है। 12 दिसंबर को बीजेपी ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, एटा में जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे। रविवार को गोरखपुर के बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी का परिवार सपा ज्वाइन करेगा, अखिलेश यादव सदस्यता दिलाएंगे। रविवार को जयपुर में कांग्रेस की रैली पर बोले रणदीप सुरजेवाला, ये अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक होगी। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, हरीश रावत ने कहा प्राकृतिक संपदा की लूट हो रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह लक्ष्मी कार्ड की घोषणा की, गोवा की महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा किया। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा गृह लक्ष्मी कार्ड के तहत गोवा के परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा, कहा इनके नेतृत्व में बंगाल में कांग्रेस जीरो हो गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा प्रदेश में किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा अगर पंजाब में हमारे गठबंधन की जीत होती है तो दूसरा डिप्टी सीएम बसपा से होगा। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, सेना को मिले 319 नए ऑफिसर। देश को आईएमए के 387 जेंटलमैन कैडेट मिलने पर राष्ट्रपति कोविंद ने खुशी जताई, कहा भूटान, मालदीव, नेपाल जैसे मित्र देशों के कैडेट शामिल होने पर भारत को गर्व। अब और मारक हुई स्वदेशी रॉकेट पिनाका, पोखरण में एक्सटेंडेड रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का सफलतापूर्वक परीक्षण, 45 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को कर सकता है नष्ट। डीआरडीओ ने पुणे के HEMRL के साथ डिजाइन किया है, सेना को करीब 1 दशक से सेवा दे रहा है पिनाका सिस्टम। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने पोखरण में स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को बैंक खाता धारकों के इंश्योरेंस से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम। सरकार ने बैंक खातों पर इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की, केंद्र और राज्य सरकार की सभी बचत योजनाओं पर लागू होगा। अहमदाबाद के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, 16 में उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया, साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा वर्षों तक हिंदू आस्था केंद्रों का अपमान किया गया, मोदी सरकार ने गौरव लौटाया। अहमदाबाद को रेल ओवर ब्रिज और कई अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात, गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया, कहा कुरुक्षेत्र की धरती धर्म की धरती है। राजस्थान के झुंझुनू में पंचतत्व में विलीन हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, आखिरी विदाई में चंचला बुमड़ा। हिमाचल के कांगड़ा में शहीद विवेक कुमार का अंतिम संस्कार नमाखों से लोगों ने विदा किया। यूपी के आगरा में शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में चंचला बुमड़ा। मलयालम फिल्म निर्देशक अली अकबर ने अपनाया हिंदू धर्म, सीरियस रावत की मौत पर टिप्पणी से आहत थे अली।
बांदीपोरा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या पर बोले फारूक अब्दुल्ला, जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, क्या सरकार संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देगी। बांदीपोरा में शहीद पुलिसकर्मियों के घर पहुंचे डीजीपी दलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का हताश होकर आतंकी कायराना हरकत कर रहे हैं। बांदीपोरा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पुलिस और सेना की बैठक, सुरक्षा के हालात पर चर्चा। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई से जुड़े चार लोगों की तलाशी ली, कई आपत्तिजनक चीजें और विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले। तेजस्वी यादव के दूसरे धर्म में शादी करने पर भड़के मामा साधु यादव, बहनोई लालू यादव और बहन राबड़ी देवी को बच्चों को संभालने की सलाह दी। मामा साधु यादव को तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी, परिवार के खिलाफ गलत बोलने से किया मना। केरल में विश्वविद्यालयों में राजनीतिक नियुक्तियों पर गवर्नर और मुख्यमंत्री में तकरार, आरिफ मोहम्मद खान ने चिट्ठी लिखी, कहा सीएम खुद बन जाए चांसलर और पॉलिटिकल उद्देश्य पूरा करें। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, नॉन एकेडमिक पीपल को एकेडमिक डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर गवर्नर और सीएम आमने सामने, जगदीप धनखड़ ने कहा मुख्यमंत्री संविधान के तहत काम करें, बीएसएफ और पुलिस के बीच टकराव के हालात पैदा ना करें। ममता सरकार के हावड़ा नगर निगम के बंटवारे के फैसले पर बोले राज्यपाल, कहा राज्य सरकार से बिल के बारे में सवाल पूछे, आज तक कोई जवाब नहीं आया। बिहार के हाजीपुर में कार्यरत लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दीपक शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी, अब तक करीब 2.25 करोड़ का कैश बरामद। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 लाख से ज्यादा घरों की मांग की। बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक मस्जिद की पहल, नमाज के लिए नहीं हो रहा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, स्कूल के छात्रों की पढ़ाई के मद्देनजर फैसला। तमिलनाडु के इरोड में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी, 6 लाख रुपए की प्रतिबंधित तंबाकू रखने का मामला। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, ईडी द्वारा महाराष्ट्र सरकार की मानहानि को रोकने की जरूरत है। यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने कानपुर में 20 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, का कानपुर अब विकासशील शहर के रूप में सामने आया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले लड्डू बनाने का काम शुरू हुआ, घर घर पहुंचाया जाएगा प्रसाद। चित्रकूट के करवी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार और देसी शराब भी बरामद की। बिजनौर में 4 चोरों की गिरफ्तारी, चोरी की 2 बाइक और मोबाइल भी बरामद। बिजनौर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियार समेत 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी। अयोध्या में नशे के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश जारी, नशीले पदार्थ के साथ 2 गिरफ्तार। बहराइच पुलिस ने 1 बदमाश को गिरफ्तार किया, 2 तमंचे सहित कई हथियार भी जब्त। फतेहपुर में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 छात्र बदमाश गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में करंट लगने से भाई बहन की मौत, घर सफाई के दौरान हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से हादसा। एमपी के ग्वालियर में ड्रोन मेले का उद्घाटन हुआ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम चौहान मौजूद रहे। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 33 हुई, 5 राज्यों में फैला संक्रमण, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17 केसेस। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला, जिम्बाब्वे से लौटा 35 साल का शख्स संक्रमित। ओमिक्रॉन केस बढ़ने के बाद मुंबई में 2 दिन के लिए धारा 144 लागू, किसी भी रैली या जुलूस को नहीं मिलेगी मंजूरी। शहर के एंट्री पॉइंट पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। दहिसर, ठाणे, मुलुंड और वाशी टोल नाके में गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग जारी। मुंबई में ओवैसी की रैली रद्द होने पर विवाद बढ़ा, शिवसेना ने चेतावनी दी, कहा कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा मुंबई में अशांति ना फैले इसलिए धारा 144 लागू की गई। नाइजीरिया से इंदौर लौटे भाई बहन कोरोना संक्रमित मिले, सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कोरोना से संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों का आइसोलेशन पीरियड 10 दिन से कम नहीं किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स का दावा, ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा की तुलना में कमजोर है। साउथ अफ्रीका के कोविड विशेषज्ञ हैरी मोल्ट्री का बयान, ज्यादा जानकारी के लिए 24 घंटे ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डे का एक कर्मचारी और ब्रिटेन से आए 2 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। ताइवान में ओमिक्रॉन की दस्तक, दक्षिण अफ्रीका से ताइवान पहुंचा यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। एमपी के राजगढ़ में मृत व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, प्रशासन ने तकनीकी खामी को कारण बताया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने राज्यों को नसीहत दी, कहा कोरोना की स्थिति पर कड़ी नजर रखें। देश में कोरोना के करीब 8,000 नए केसेस, एक दिन में 393 लोगों की जान गई। केरल में सामने आए कोरोना के 3,795 नए केसेस, 24 घंटे में 50 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले कोरोना के 807 नए मामले, कोरोना से 20 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 256 लोग संक्रमित, किसी संक्रमित की जान नहीं गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बीते 8 दिनों में 1300 से ज्यादा विदेशी आए, सभी कोरोना नेगेटिव पाए गए। ठाणे में कोरोना के 86 नए मामले, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 156 नए केसेस, 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत। लद्दाख में 24 घंटे में कोरोना के 19 नए केसेस, किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 5 नए केसेस, 24 घंटे में 3 संक्रमित ठीक हुए। तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल में सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को एंट्री मिलेगी, 13 दिसंबर से नियम लागू होगा। अमेरिकी सैनिकों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को अनिवार्य करने पर हो रहा है विचार, पेंटागन के प्रवक्ता ने जानकारी दी। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मानवीय सहायता, दवाओं समेत कई और जरूरी चीजें भी शामिल। अमेरिका के केंटकी में तूफान ने तबाही मचाई, 50 लोगों की जान गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।